अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे ड्राई पोटैटो एंड बीन्स की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही ज़बरदस्त ये वेजिटेबल बनके तैयार होती है, तो चलिए देख लेते हैं कि इस वेजिटेबल को बनाने के लिए हमें किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्रीन चिलीज़ ली हैं, ये कम तेज़ वाली चिलीज़ हैं। 1.5 टीस्पून के जितना गार्लिक पेस्ट हमें चाहिए होगा, 1/2 टीस्पून के जितना कोरिएंडर पाउडर, 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स हमें चाहिए होंगे, और 1/2 टीस्पून हमें चाहिए होगी ड्राई रोस्टेड कसूरी मेथी, 1 टीस्पून के जितना मस्टर्ड सीड्स, और 1 टीस्पून ही के जितने हमें चाहिए होगा क्यूमिन सीड्स, 350 ग्राम्स के जितनी हमें चाहिए होंगी फ्रेश बीन्स। मैं बीन्स और पोटैटो को कट करके भी दिखा दूंगी कि मैंने इनको किस तरह से कट किया है। और इसके अलावा 3 मीडियम साइज़ के पोटैटोज़ हमें चाहिए होंगे, जिसको हम इस तरह लेंथ वाइज काट लेंगे। तो चलिए मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने कुछ बीन्स ली हैं इस तरह से। ये बीन्स हैं फ्रेश बीन्स। तो जिस तरह से मैंने इनको काटा है, मैं आपको दिखा देती हूँ। बस आप इसके एंड्स रिमूव कर लीजिए इस तरह से, और एक ही साइज़ के पिक कीजिए तो बेहतर रहेगा। रिमूव करना इस तरह से, और इस तरह से आप इसको रिमूव कर लीजिए, और फिर आप इनको इस तरह से कट कर लीजिए। ये इस तरह है, इस लेंथ में आप कट कर लीजिए। बहुत ज़बरदस्त लगती हैं ये कुक होके। तो मैंने तमाम बीन्स को बिल्कुल इसी तरह से कट कर लिया है। और पोटैटो आप मीडियम साइज़ का ले लीजिए, उसका स्किन रिमूव कर दीजिए, और इसको 3 हम हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं पोटैटो को, और फिर हम इसके स्लाइसेस कट कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हम इसको पहले कट कर लेंगे, और फिर हम इसको स्लाइसेस में कट कर लेते हैं इस तरह से। बहुत बारीक भी आपने इनको नहीं करना, बस इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। बिल्कुल इस तरह से, और तमाम जो पोटैटोज़ हैं तीनों, उनको आपने इस तरह से कट कर लेना है। तो इस तरह से मैंने वेजीज़ को काट लिया है। तो बस इस तरह से आपने वेजीज़ को कट कर लेना है लेंथ वाइज। तो चलिए आप कुकिंग स्टार्ट कर लेते हैं। कुक करना स्टार्ट करते हैं बीन्स एंड पोटैटोज़ को। तो मैं 1/3 कप के जितना ऑयल डाल दूंगी पैन में। तो चलिए इसमें डाल देते हैं मस्टर्ड सीड्स, और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे क्यूमिन सीड्स। बस 1 आध मिनट के लिए ही हम इनको फ्राई करेंगे, और फिर पोटैटोज़ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जो क्यूमिन सीड है और मस्टर्ड सीड्स हैं, ये फ्राई होना स्टार्ट हो गए हैं। तो अभी इसमें पोटैटोज़ ऐड कर देते हैं। पोटैटोज़ को आप अच्छे से वॉश करके और थोड़ा ड्राई करके फिर ऐड कीजिएगा, वरना अगर आप इनको वॉश नहीं करेंगे तो ये चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो अभी हम पोटैटोज़ को 90% तक कुक कर लेंगे। तो पोटैटोज़ फ्राई हो रहे हैं, इसमें थोड़ा सा हम सॉल्ट ऐड कर देते हैं, क्योंकि ब्लैंक पोटैटोज़ बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते खाते हुए। तो थोड़ा सॉल्ट मैंने इसमें ऐड कर दिया है। तो अभी इनको हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। सॉल्ट ऐड करके ही आप इनको फ्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त इस वक्त खुशबू आ रही है क्यूमिन की। तो चलिए इनको कर लेते हैं हम अच्छे से फ्राई। पोटैटोज़ को चेक कर लेते हैं। पोटैटोज़ बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, बस इतना ही इनको हम करेंगे। और अभी मैं पोटैटोज़ को रिमूव कर लेती हूँ पैन से। इसको मैं किसी बाउल में निकाल लेती हूँ, और फिर बीन्स हम कुक करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं निकाल रही हूँ इनको पैन से। तो यहाँ मैंने पोटैटोज़ को बिल्कुल निकाल लिया है बाउल में। तकरीबन 6 से 7 मिनट लगे हैं पोटैटोज़ को कुक होने में, और अभी इसी ऑयल में हम जो बीन्स हैं ये डाल देते हैं अच्छे से। बीन्स को फ्राई कर लेंगे
एक आध मिनट के बाद हम इसमें बाकी के स्पाइसेस ऐड करना स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल लो हीट पे हम कुक करेंगे बीन्स को ताकि अच्छे से कुक हो जाएं। तो हीट इस वक्त आप लो टू मीडियम रखिएगा। बहुत ही यमी ये वेजिटेबल बनके तैयार होती है। आप इसे एज अ साइड के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मटन या चिकन बना रहे हैं तो साथ में आप वेजीज इस तरह से बना लीजिए। पे बीन्स को कुक होते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए हैं और अभी मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करना स्टार्ट करूँगी। तो चलिए सबसे पहले सॉल्ट ऐड कर लेते हैं। सॉल्ट जो हमें थोड़ा सेव किया था वो ऐड कर सकते हैं। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ी सी हम डाल देंगे इसमें टर्मरिक पाउडर और रेड चिली पाउडर, और साथ ही हम इसमें ऐड कर देते हैं ग्रीन चिलीज। इसको भी मैंने लंबा लंबा काट लिया बिल्कुल। तो अभी हम इसको बिल्कुल लो हीट पे कुक करेंगे। बीन्स को थोड़ा कुक होने में टाइम लगता है लेकिन इसमें पानी डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बहुत आराम से ये टेंडर हो जाएंगी। बस आपने इसको बिल्कुल स्लो हीट पे कुक करना है। चेक कर लेते हैं बीन्स को। बीन्स अच्छे से कुक हो रही हैं और बिल्कुल स्लो हीट पे हम इन्हें कुक कर रहे हैं। तो चलिए अब इसमें गार्लिक जो है वो भी डाल देते हैं। तो गार्लिक पेस्ट इसमें चला गया और इसमें हम डाल देते हैं चिली फ्लेक्स। तो मज़ीद इसको कुकिंग पे छोड़ देंगे अभी जब तक कि ये बिल्कुल टेंडर नहीं हो जाती। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं थोड़ा सा इसको कवर कर दूंगी। तो यहाँ पे बीन्स को स्पाइसेस के साथ कुक होते हुए 7 से 8 मिनट हो गए हैं। तो चेक कर लेते हैं बीन्स को। बीन्स ऑलमोस्ट टेंडर हो चुके हैं। तो अभी इस पॉइंट पे इसमें जो पोटैटोज हमने रखे थे फ्राई करके ये ऐड कर देते हैं। तो चलिए इसमें पोटैटोज ऐड कर देते हैं और इसको एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं। इसमें पोटैटोज थोड़े ज़्यादा ही हों तो भी अच्छे लगते हैं। बहुत ज़बरदस्त इसका टेस्ट आता है बीन्स के साथ फ्राई हुए पोटैटोज का। और अभी जो लास्ट के 2 इंग्रेडिएंट हमने सेव कर लिए थे वो डाल देते हैं। इसमें 1/2 टीस्पून के जितना कोरिएंडर पाउडर ये ऐड कर देते हैं और कसूरी मेथी ऐड कर देते हैं। बिल्कुल 1/2 टीस्पून के जितना ही कीजिएगा। बहुत ज़्यादा इसका फ्लेवर नहीं आना चाहिए, बस एक हिंट सा रहना चाहिए इसका कि थोड़ा सा फ्लेवर इसका निकल के आना चाहिए वेजिटेबल में से। तो चलिए इसको मज़ीद 2 से 4 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं और फिर इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पोटैटोज़ के साथ भी बीन्स को कुक होते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। तो बीन्स एंड पोटैटोज़ दोनों बहुत अच्छे से ज़बरदस्त से कुक हो गए हैं। बहुत ज़बरदस्त सी खुशबू भी आ रही है। ये देखिए, आपको देखने से पता चल रहा होगा कि बीन्स बिल्कुल अच्छे से डन हो चुकी हैं। तो अभी इनको सर्विंग प्लेटर में मैं निकाल लेती हूँ और मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो चलिए इसको कर लेते हैं डिश आउट। तो यहाँ पे ड्राई पोटैटो एंड बीन्स बिल्कुल रेडी हैं। बहुत ज़बरदस्त ये बनके तैयार हुई हैं। आप ज़रूर इन्हें ट्राई कीजिएगा, इसी तरह से बनाइएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत टेस्टी ये बनती हैं। तो इसी के साथ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।